तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद सुष्मिता देव पर शुक्रवार को त्रिपुरा में हमला हुआ। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। हमले में तृणमूल कांग्रेस सांसद घायल हो गई हैं। सांसद ने हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे भाजपा का हाथ है। सुष्मिता देव पर जिस समय हमला हुआ उस वक्त पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशंस एवं सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएक के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। इस हमले में वे भी घायल हुए हैं। टीएमसी की त्रिपुरा इकाई ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई ने ट्वीट किया, त्रिपुरा की जनता इस बर्बर हमले का करारा जवाब देगी। पुलिस को दर्शक बनकर काम करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था का इस तरह पतन अस्वीकार्य है। हम न्याय की मांग करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस को शिकायत में कहा कि सुष्मिता देव के साथ टीएमसी के 10 से अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अमतली बाजार में दोपहर करीब 1:30 बजे हमला किया। हमलावरों ने वाहनों की तोड़फोड़ की, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला किया। टीएमसी ने कहा कि हमला करने के साथ कार्यकर्ताओं के मोबाइल समेत सामान भी चोरी हुए हैं। हम इस मामले में तत्काल जांच और हमलावरों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का अनुरोध करते हैं।